हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधिका शर्मा एंड करंटली आई एम इंटर्निंग विद लेक्सिस एंड कंपनी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है अभी इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन एंड टाइप्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो डाइंग डिक्लेरेशन इज़ द स्टेटमेंट मेड बाय अ डाइंग पर्सन, जो कि मर रहा है, इन हिज लास्ट मोमेंट ऑन सिचुएशंस एंड फैक्ट दैट लेट टू हिज डिमाइस। एंड अ सुसाइड नोट कैन बी अ डाइंग डिक्लेरेशन इन विच द डिजीज स्टेट द अक्यूज नेम। लाइक एक केस था लाइक रचना रविंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एंड अदर्स। एंड इट्स एक डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होती है जो कि बनाई जाती है मेड बाई लाइक डाइंग पर्सन ऑन उसके लास्ट मोमेंट्स पे, ऑन सिचुएशंस पे, इन फैक्ट दैट लेड टू हिज डिमाइस। एंड इसमें क्या होती है, वो डाइंग डिक्लेरेशन इज ओरल हो सकती है, लाइक ओरली आप वो डिक्लेरेशन, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं एंड गेस्चर से दे सकते हैं एंड रिटर्न दे सकते हैं एंड बाय लाइक साइन करके आप वो डिक्लेरेशन दे, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं लाइक फॉर डाइंग डिक्लेरेशन। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन लाइक डाइंग जो डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, किसको अथॉरिटी है। सो एनी पर्सन कंसिडरिंग द डिक्लेरेंट डिक्लाइनिंग हेल्थ कंडीशन, जो भी यानी पर्सन जो कि लाइक डिक्लाइन पर्सन की हेल्थ को कोई भी पर्सन जो कि डिक्लेरेंट की डिक्लाइन हेल्थ कंडीशन को लाइक हेल्थ कंडीशन जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ केस। सो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड लाइक बाई रिकॉर्ड हो सकती है बाई पुलिस ऑफिसर इज लीगल है। तो अभी क्या अब है कि लाइक लॉ क्या बोलता है ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में इट इज़ लीगल और इलीगल। सो सेक्शन 32(1) एविडेंस एक्ट इज़ एन एक्सेप्शन है टू हियरसे रूल एंड मेक्स द स्टेटमेंट ऑफ डिजीज पर्सन एडमिसेबल एज एविडेंस। इट कैन बी बेसिस फॉर कन्विक्शन। एंड केस में केस है शरद बेडी चांद शारदा सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। देर आर सम लाइक लैंडमार्क इंस्टेंसेज हैं जैसे निर्भया गैंगरेप केस में डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ए गैस्चर और अ नॉड। एंड क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में एंड अ डम पर्सन कैन यूज साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। सो एंड कुशाल राव वर्सेज द स्टेट ऑफ बॉम्बे में नो कोई भी लॉ स्पेसिफिक दैट नो लॉ स्पेसिफाई दैट DD can't be used as sole basis for conviction and when the court acknowledge declaration as voluntary. So आज के लिए हमारा लाइक एक क्वेश्चन है कि इज़ इट फेयर टू स्लोली कन्विक्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। सो थैंक यू एवरी वन।